हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अतुल सिंह रावत और एक बार फिर से आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। 6 महीने टारगेट 6 एग्जाम। जी हाँ, कल से स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का महासंग्राम। मैथ्स का ऐसा मैच जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद और बहुत कारगर साबित होगा। एक साथ सभी एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो बात प्री की हो चाहे वो बात मेंस की हो, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे सवाल है। कल 17 तारीख से मेरा मैच शुरू हो रहा है। जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, जाइए अनअकैडमी पर परचेज कीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बैच में आपके लिए क्या खास लेकर आया हूं। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं बात कर लेता हूं कि आपके लिए मैंने बेसिकली क्या प्लान किया है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए आपको मेरी आवाज वगैरह सबको सही आ रही होगी, आई होप कि आपको सबको बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए 6 महीने हैं हमारे पास में, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और मेरा भी ये कहना है कि भाई 6 महीने में आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए अगर आप देखेंगे 17 फरवरी यानी कि कल बुधवार से आपका एक बैच शुरू हो रहा है। पहला जो डे है स्ट्रेटजी टू क्रैक एनी बैंक एग्जाम। किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे 12 बजे। उसके बाद 18 तारीख को थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ्स। आप देख सकते हो 19 तारीख को भी सेशन फ्राइडे वैदिक मैथ्स, उसके बाद सैटरडे डाउट सेशन, उसके बाद फिर हम लोग सीधे मूव कर रहे हैं अर्थमेटिक की तरफ, क्योंकि अर्थमेटिक में स्ट्रेस स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो डाउट सेशन हो जाएगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, हाउ टू सॉल्व परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन फिर डाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन विद डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन डाउट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SI CI पे क्वेश्चन, SI CI पे क्वेश्चन डाउट। तो अर्थमेटिक से शुरुआत कर रहे हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट, एलिगेशन कैसे इस्तेमाल होगा, मिल्क वाटर वाले क्वेश्चन, मिल्क वाटर वाले, एवरेज, एज, फिर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर सवाल, फिर वर्क एंड वेज, फिर डाउट, फिर पाइप आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप पे सवाल डाउट। आप देख सकते हो पूरा 3 महीने से ज्यादा का ये बैच है। टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, फिर ट्रेन चलेगा, फिर बोर्ड चलेगा, फिर मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो रहा है 9 अप्रैल को। जैसे ही आपका 9 अप्रैल को अर्थमेटिक खत्म हो रहा है, फिर आपका बोर्ड मास आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डाउट, उसके बाद आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नए पैटर्न सिंप्लीफिकेशन के वो भी रखे हैं, अप्रोक्सीमेशन, नए पैटर्न अप्रोक्सीमेशन के, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, नए नंबर सीरीज जो इस बार SBI PO मेंस में आई थी, SBI PO मेंस वाली जो नंबर सीरीज थी वो भी कवर की जाएंगी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें, उसके बाद DI शुरू हो जाएगा कि हाउ टू रीड डेटा इंटरप्रिटेशन 28 अप्रैल से। फिर आप DI मेरे साथ पढ़ते हुए चलोगे और DI आप देख सकते हो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन सिंगल डिग्री, सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग। और ये बैच आपका खत्म होगा 19 मई 2021 तक। तो आप देख सकते हो कि 17 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है और 19 मई तक जा रहा है, पूरे 3 महीनों का ये बैच है। ये बैच पूरे 3 महीनों का है, कंप्लीट बैच है सर, है ना, कुछ भी चीज में छूट नहीं रही है। DI है, अर्थमेटिक है, सब कुछ है। प्लस जैसे ही खत्म हो जाएगा इसके बाद, पहले मैं बता देता हूं कि इसे एक्सेस कैसे करना है। अपने प्ले स्टोर पे जाइए, यहां पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखा, लिखने के बाद इंस्टॉल कीजिए मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल नंबर लिखा और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू किया, OTP आएगा लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, या तो यहाँ पे चले जाना या यहीं पे लिखा रहा होगा गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप अपना गोल चूज करोगे, बैंक एग्जाम है ना, गोल चूज करना है बैंक एग्जाम, हिंदी आपको चूज करना है, किस लैंग्वेज में, हिंदी। और उसके बाद आप अपना गोल चूज करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके, है ना, गोल चूज कर लिया गेट सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं आए तो सर्च भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगा अभी। तो पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, ये रहा नया फीस का स्ट्रक्चर। 6 महीने की फीस है आपकी 5200 रुपए, 12 महीने की आपकी 65 और 24 महीने की इतनी है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बेस्ट है। यहाँ पे नीचे लिखा दिखा दे रहा होगा रेफरल कोड, ये दिखाई दे रहा है रेफरल कोड पे, आपको ये वाला रेफरल कोड लिखना है AVP10। कोई रेफरल कोड अगर यहाँ पर ऑलरेडी है तो उसको हटा देना, AVP स्मॉल में भी लिख सकते हो 10। जैसे आपने रेफरल कोड एंटर किया आपकी फीस बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगी। देखो तो 5850 आपको 12 महीने की जो फीस पड़ेगी वो 5850 पड़ेगी। अगर आपके भाई बहन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 24 महीने की फीस आपको 7000 रुपए में 24 महीने की फीस पड़ेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि 1200 रुपए और पे करने पर आप
एक साल का सब्सक्रिप्शन और बढ़ा लोगे। तो चाहो तो 12 महीने और 6 महीने का तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि 6 महीने में आपको दिखाई दे रहा है कि 4600 आपको 6 महीने की, इसी में जस्ट आपको 1200 इंक्रीज करने हैं, ये देखो, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा बेस्ट माना जाएगा कि 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड इस्तेमाल करें। जैसे ही आप लिखा आएगा, देखिए ऑसम ABP10 अप्लाई लिखा भी आ रहा है ना, फीस ऑफ हो गई। उसके बाद अगर आपने स्पेशल क्लास देखी है तो आप पॉइंट्स भी रिडीम कर लेना, और सस्ता हो जाएगा ये देखो। अगर जैसे मेरे 320 पॉइंट है, आप अपने पॉइंट भी रिडीम कर लेना, इतने का कोर्स पड़ रहा है ना, बाद में इतने का हो जाएगा ये देखो। तो 5500 का कोर्स पड़ा मुझे लास्ट में, ठीक है। अब मेरे पास डेबिट के ऑप्शन है, सवारी ऑप्शन है, इनको लगा देना और पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है सर्च वाले पे, आप क्या करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत। तो जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और मेरी प्रोफाइल पे आप कल आएंगे 12 बजे और मेरी पहली क्लास में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है सर। बहुत सिंपल सा वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो से सबको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या करना है। पॉइंट्स जरूर रिडीम कर लेना अपने, ताकि आपको डिस्काउंट और मिल जाए, ठीक है सर। चलो तो मिलते हैं कल आपसे, और ये पूरा का पूरा कोर्स है, आप कल आ जाइए। तो मिलते हैं कल, और जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम हमारे कौन कौन से, मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। SBI PO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो उसमें हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। RRB PO 2021 इसमें हेल्पफुल होगा मेरा कोर्स। RRB क्लर्क 2021 इसमें हेल्पफुल होगा। IBPS PO 2021 इसमें हेल्पफुल होगा। IBPS क्लर्क 2021 इसमें एग्जाम में सब में हेल्पफुल होगा। प्लस जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम होंगे सब में आपको ये कोर्स मददगार साबित होगा, ठीक है सर। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू।